नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हर 3 से 6 महीने में बुखार हो जाता है, क्रोनिक फीवर से आप परेशान हैं, कफ एंड कोल्ड में कोई आराम नहीं मिल रहा है, एंटीबायोटिक टैबलेट खाने के बावजूद भी बुखार नहीं उतर रहा है, इम्यूनिटी सिस्टम लो हो गया है, तो यह दोनों मेडिसिन आपको लेना चाहिए। यह प्योर आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया में भी मददगार दवा है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है। इन दोनों दवा का नाम है दिव्य ज्वारनाशक वटी और गिलोय घनवटी। कफ, सर्दी, जुखाम वाले रोगों में गुणकारी है। गिलोय घनवटी में 500 mg गिलोय एक्सट्रैक्ट मिलाया हुआ है, यह आप देख सकते हैं, गिलोय एक्सट्रैक्ट 500 mg। सामान्य कमजोरी में गिलोय बहुत अच्छा काम करती है। यूरिनरी डिसऑर्डर और स्किन पर बहुत अच्छा प्रभाव डालती है। ज्वारनाशक वटी में गिलोय, देसी तुलसी, नीम, हल्दी, कुटकी, कालमेघ, अश्वगंधा, अकरमूल, लवंग, द्रोणपुष्पी, चिरियाटा, दालचीनी, मुलेठी आदि जड़ी बूटी मिलाई हुई है। दवा लेने का सही तरीका, ज्वारनाशक वटी को खाना खाने के बाद रोजाना सुबह, दोपहर, शाम को एक एक गोली लेना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, और गिलोय घनवटी को रोजाना खाना खाने के बाद सुबह शाम एक एक गोली लेना चाहिए। अगर आप इन तरीके से दवा का सेवन करेंगे तो गंभीर से गंभीर बुखार उतर जाएगा। बार बार होने वाले बुखार में आराम मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप परचेज कर सकते हैं। गिलोय शरीर में इम्यूनिटी बढ़ा देती है, जिससे रोगों से लड़ने में ताकत मिलती है। गिलोय घनवटी की कीमत 90 रुपए की है, ज्वारनाशक वटी की कीमत 45 रुपए की है। ज्वारनाशक वटी में 40 टैबलेट आती हैं। अगर 5 से 7 दिन में बुखार ना उतरे तो आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से दवा को कम या ज्यादा करें। दवा को हमेशा हल्के गुनगुने पानी से लेना चाहिए, ठंडी चीजों से परहेज करना चाहिए, दही लस्सी से परहेज करें। अब मैं आपको गिलोय घनवटी दिखा देता हूँ किस तरह की होती है। ये आप देख सकते हैं, ये गिलोय घनवटी है, और यह ज्वारनाशक वटी है, लगभग सेम ही कलर है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।